सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राज आकलिया ते मेरे नाल ने मेरे वाइफ हरजीत कौर। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू अवर फर्स्ट ब्लॉग। ते असी इहदी शुरुआत आपदे शहर तो ही करन जा रहे हैं। हाँ जी, असी पंजाब तो बिलोंग करते हैं ते पंजाब दे इहो जिहे शहर तो जिसनूं 3 बार क्लीनेस्ट सिटी होण दा अवार्ड मिल चुका है। इसनूं झीलां दा शहर भी कहा जाता है। बॉलीवुड दीआं कई मूवीज़ दे विच वी इसदा नाम आउंदा है। हाँ जी, बहुत सारे व्यूअर्स गैस कर गए होंगे कि असी किस शहर तो बिलोंग करते हैं। हाँ जी, साढ़े शहर का नाम है बठिंडा। तो आओ दोस्तों, आप चलते हैं इस सोहने शहर को देखने लई शहर बठिंडा। चलो आ जाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरमन। हेलो गाइस, माय नेम इज जस्मन। इफ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, जे मैं बठिंडे के इतिहास बारे गल करा तो इसनों पट्टी राजपूतों ने वसाया सी। पहला इसका नाम पट्टी विंडा, बठिंडा, तो फिर हौली हौली बठिंडा पै गया। दोस्तों, आप किले दे बिल्कुल बाहर खड़े हाँ। जे किले दे इतिहास से झात मारीे तो मैं संखेप विच इस बारे दसना चाहवागी कि यह किला राजा बिनेपाल ने बनवाया सी। इसनूं बनवाउण दे पिछे दा कारण यह दस्या जांदा है कि राजा काफ़ी उदास रहण लग पिया सी। उहनूं इह चिंता खा रही सी कि उहदे मरण तो बाद लोक उहनूं किवें याद रखणगे। यही चिंता लैके उह आपदे गुरु महाराज कोले गया ते उहनां नूं आपदी जिहड़ी इह चिंता है उहदा कारण दस्या। तो फिर उन्हां गुरु महाराज ने राजे नूं कहा कि तू निराश ना हो ते एक अजिही इमारत दा निर्माण कर जिस नाल लोक तैनूं रहिंदी दुनिया तक याद करनगे। बस फिर उन्हां कोलों आ के राजे ने इस किले दा निर्माण करना शुरू कर दिता। ये छोटियां इट्टां दी बनी हुई बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो हुण ढहिंदी जा रही है, पर सरकार वल्लों समें समें ते इसदी मुरम्मत दा काम जारी है ते इसनूं संभालण दी कोशिश कीती जा रही है। तो चलो दोस्तों, फिर हुण आपां किले दे अंदर दे व्यू तां दिखाउने आ, आ जाओ जी। चलिए दोस्तों, इस किले दे अंदर एक गुरद्वारा साहिब बनया होया है जिसनूं गुरद्वारा श्री किला मुबारक भी कहा जाता है। ये गुरद्वारा साहिब 10वें पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण छोह प्राप्त है ते लोग दूरों दूरों इत्थे मत्था टेकन आउंदे ने ते गुरु साहिब जी दा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हाँ जी, हुण आपां किले तो बाहर आ चुके हाँ। उत्थों तुसीं गुरद्वारा साहब जाने लई रुमाला साहब वगैरह खरीद सकते हो। हाँ जी दोस्तों, असीं धोबी बाज़ार विच पहुँच चुके हाँ। ये बठिंडे का मेन बाज़ार है, तुसीं देख सकते हो। रूम्स, वड्डियां वड्डियां दुकानां, कोई भी चीज़, कोई भी ब्रांड है उहदा नहीं जो बठिंडे तो नहीं मिलता। सब कुछ अवेलेबल है जी बठिंडे। बड़े ही सोहने ढंग बनया होया ये बाज़ार, तो ये बिल्कुल सेंटर च है जी सद्भावना चौक। सद्भावना चौक भी एक खास चीज़ लई मशहूर है इतों के फन टाइम आइसक्रीम कॉर्नर लई। हाँ जी दोस्तों, ये है बठिंडे का रेलवे स्टेशन। बठिंडे की रेलवे स्टेशन बारे एक खास चीज़ मशहूर है कि यह भारत का सब तो वड्डा रेलवे जंक्शन है, क्योंकि 7 रेलवे लाइना जिहड़ियां वह इत्थों इकट्ठियां निकलदियां ने। ये तिरंगा झंडा, आई लव बठिंडा। सो सानू माण है असीं बठिंडे विच रहिंदे हां। आई लव बठिंडा। सामने ही तुहानूं देगी श्री हनुमान जी की मूर्ति। ये भी बठिंडे की एक खास अट्रैक्शन है। सामने देख सकते हो पीरां दी मज़ार। ये बठिंडे का सब तो वड्डा पीरखाना है जिथे श्रद्धालु आके आपदियां सुखां पूरियां करते हैं।
सामने ही स्टेडियम है बठिंडे का। यह है जी कृष्णा कॉन्टीनेंटल बठिंडे का तीन तारा होटल। दोस्तों यह है बठिंडे का अजीत रोड जिसनों के आयल्स का हब भी कहा जाता है। अज संडे होने करके रश बहुत घट है। वर्किंग डेज तुहानू पता लगू कि बठिंडे जिले के किन्ने बच्चे पंजाब नू छड़ के जान की तैयारी करके अपने भविख लई अलग अलग देशों विच जा रहे। यह है जी अजीत रोड ते साहिबजादा अजीत सिंह चौक, पर ज़्यादातर लोग इसनू घोड़े वाला चौक ही कहते हैं। दोस्तों ये है बठिंडे की सब्जी मंडी। हाँ जी दोस्तों ये भी बठिंडे की एक बहुत ही पवित्र जगह है, पीर हाजी रतन जी की दरगाह। तो ये नाल ही गुरद्वारा हाजी रतन साहिब है। दी खासियत यह है कि मसीत की तो गुरद्वारा साहब की कंध सांझी है, जो कि साडी भाईचारक भावना दर्शाता है। ये दोस्तों ये है बठिंडे की अनाज मंडी। इतों की कॉटन ते ग्रेन मार्केट पंजाब ही नहीं सगो भारत दियां सब तो वड्डियां मंडियां विचों एक मन्नी गई है। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज चुके आ, भुख बहुत लगी आ, तो हुण आपां चलदे आ पेट पूजा करन। ये है टिंकू कुलचा। भाई किन्ना चिर हो गया तुहानूं इत्थे नान खवाउंदे? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहुंचे हैं गोपाल टी स्टाल। अंकल कितना टाइम हो गया तुम्हें चाह बनाने? 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए अंकल को चाह बनाने? तो मैंने नहीं लगता बठिंडे च कोई यह जहाँ बंदा होगा जिन्हें अंकल की चाह नहीं पीती होगी। सानू वड्डी गल है कि इतने सफाई बहुत आ, चाह की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। चाह की क्वांटिटी आम तौर पर आप जो भी किसी स्टॉल तो चाह पीने तो छोटे छोटे कप्स होंगे ज डिस्पोजल आप देखे ही है ना कॉफी वाले, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੱਜ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ, ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। इस तो इलावा इत्थे ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, कई मेडिकल इंस्टीट्यूट ते सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी इत्थे स्थित है। साडे लई बहुत ही माण वाली गल है कि मालवे खेतर दा सब तो वड्डा मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स भी बठिंडे विच ही है। हुण लोकां नूं अपने इलाज दे लई लुधियाणे या चंडीगढ़ वर्गे शहरां विच जाण दी थां ते आपदे शहर दे विच ही इस तरह की सुविधा प्राप्त है। ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇੱਥੇ 2 ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਘਈਆ ਚੌਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਜੈੱਟ ਜੋ ਕਦੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜੈੱਟ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
एक रोज़ गार्डन बनिया होया है जिथे गुलाबों दी कई किस्मां उगाईआं जांदीआं। जदों फुल्लां दा सीजन हुंदा तां इस बाग दी शान वक्खरी हुंदी है। इत्थे देख सकदे तुसीं गुलाबों दी किस्मां ते नज़ारा रोज़ गार्डन दा। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅੱਪੂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸੋ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੋ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਔਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ। ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ, ਸੋ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਚਲੋ ਬਸ ਬਸ, ਫਾਈਨਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। आपका नाम क्या है? फलित। फलित, आपका? उड़ान। ਜਿਹੜਾ ਜਸਮਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਜਸਮਨ ਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਆ, ਆਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਮੰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 9:30 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਕਲੀਆਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ 06। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।